ओके क्लास सेवन इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर थ्री सेकंड क्वेश्चन नंबर थ्री थर्ड लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थ्री थर्ड इज टू ये ओके सो क्वेश्चन नंबर थ्री थर्ड इज पीपल ऑफ सुंदर ओके हर नॉट हर डर तो ऐसा करते हैं सेकंड से समझते हैं सेकंड क्या है लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड तो लक्ष्मी के फादर क्या है 49 ईयर ओल्ड हैं ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज तो हमें लक्ष्मी की एज नहीं बताना लेट एज ऑफ लक्ष्मी एज ऑफ लक्ष्मी क्या कहा उसने ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स फादर इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी लक्ष्मी एज ओके तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी थ्री टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज मीन्स 3x और इसमें 4 ईयर ऐड करोगे तो ये क्या हो गया 4 ठीक है थ्री टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज मीन्स 3x और 4 ईयर ओल्डर है तो 4 ईयर ऐड कर देंगे ये हो गया 3x+4 नाउ 3x+4 फादर की एज कितनी थी 49 क्या थी 49 ओके सॉल्व करें इसे ऑन ट्रांसवर्सिंग आप किसे ट्रांसवर्स कर रहे हो 4 को ट्रांसवर्स कर रहे हो यहां से 3x=49-4 दैट विल इक्वल टू 45 एंड दिस इज थ्री एक्स ऑन ट्रांसपोजिंग 3 जब आप 3 को ट्रांसपोज करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 45/3 दैट इज इक्वल टू 15 सो एक्स इक्वल टू 15 ईयर सो लक्ष्मीज एज क्या हो गई लक्ष्मीज एज लक्ष्मी की एज क्या है 15 ईयर क्या है 15 ओके नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड का थर्ड ओके पीपल ऑफ सुंदर ग्राम प्लांटेड ट्रीज इन ब्लेज गार्डन सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 मोर देन द 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज तो नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज को हमें क्या करना पड़ेगा अज्यूम करना पड़ेगा ठीक है लेट नंबर ऑफ तो क्या मान लेंगे एक्स तो नॉन फ्रूट ट्रीज क्या है 2 मोर देन द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज ओके नॉन फ्रूट ट्रीज आ
ट्रीज, तो ये फ्रूट ट्रीज का क्या है, थ्री टाइम्स है। ओके, तो फ्रूट ट्रीज क्या थे, एक्स थे तो इनका थ्री टाइम थ्री एक्स, और ये टू मोर देन थे तो ये टू, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा, द नॉन फ्रूट ट्रीज वॉर द सेवन डिसऑर्डर। सो नॉन फ्रूट ट्रीज आपको क्या गिवन थे, सेवेंटी सेवन। तो यहां से थ्री एक्स प्लस टू क्या हो गया, सेवेंटी सेवन, क्या हो गया, सेवेंटी सेवन। तो यहां से ऑन ट्रांसवर्सिंग क्या बन जाएगा, ये ट्रांसवर्सिंग टू, टू को ट्रांसवर्स किया तो थ्री एक्स विल इक्वल टू सेवेंटी सेवन माइनस क्या बन गया, सेवेंटी फाइव ऑन ट्रांसफोर्डिंग थ्री। अगर आप थ्री को ट्रांसपोज करोगे तो एक्स इक्वल टू सेवेंटी फाइव अपॉन क्या आएगा, ट्वेंटी फाइव। एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ट्वेंटी फाइव। सो यहां से ये क्या हो गए, जो नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज है वो क्या हो गए, ट्वेंटी फाइव, नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। कितने फ्रूट ट्रीज है, ट्वेंटी फाइव। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फोर। सो क्वेश्चन नंबर फोर सेज दैट आई एम अ नंबर, तो हमें नहीं पता ना नंबर क्या है, टेल माई आइडेंटिटी, मतलब हमें वो नंबर अजूम करना पड़ेगा। लेट नंबर इज एक्स, नंबर क्या है, एक्स, ठीक है। टेक मी सेवन टाइम ओवर, तो मैं उसे क्या करूंगा, सेवन टाइम, सेवन टाइम ऑफ नंबर, सेवन टाइम्स ऑफ नंबर, सेवन टाइम्स ऑफ नंबर दैट मीन सेवन एक्स। एड ए फिफ्टी, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, फिफ्टी ऐड करेंगे, एड फिफ्टी। That means 7x plus 50, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन था आपको, टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, तो ये किसके इक्वल है, ट्रिपल सेंचुरी, और सेंचुरी का मीन्स क्या है, 100, तो 300 रन हो गए ट्रिपल सेंचुरी, जानते हो क्रिकेट देखते हो ना, तो देखो यहां से ये 7x प्लस 50 अगर आप सॉल्व करते हो तो आंसर क्या आना चाहिए, 300 आज। यू स्टिल नीड 40, इसके लिए आपको किसकी नीड होगी, 40 की नीड होगी, किसकी नीड होगी, 40 की और नीड होगी, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, नीड ऑफ 40, इस सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 7x प्लस 50, और इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 40 ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, 40 ऐड करना पड़ेगा, तब ये किसके इक्वल होगा, 300 के। तो यहां से 7x प्लस 90 इक्वल टू क्या, 300, और ये हो गया यहां से ट्रांसवर्स करो 90। अगर आप 90 को ट्रांसफर्स करते हो तो 7x इक्वल टू 300 माइनस 90 एंड दैट विल इक्वल टू 210। ट्रांसपोज करो, सेवन
नॉन ट्रांसफरिंग सब, तो यहाँ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 200 tan 7 = 30। तो क्या हो गया यहाँ से, नंबर इज नीचे लिख लेना, नंबर इज 30। तो वो नंबर क्या होगा 30 होगा, वो नंबर क्या होगा 30। तो ये समझ में आया, अगर हमें नंबर नहीं पता था तो पहले हमने क्या किया x लिया, उसके बाद उसने कहा 7 times of x, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 7x, फिर कहा 50 करो 50 कर दिया, फिर उसने कहा कि नीड ऑफ 40 किसके लिए, कि इसे 300 बनाना है, तो इसमें 40 ऐड कर दी है तो ये 300 बन जाएगा, तो मैंने 40 ऐड कर दिया तो ये हो गया 90, जो गया 300। अब इसने 90 का ट्रांसफर्स किया मतलब इधर लेके आए, तो ये प्लस से माइनस हो गया, 300 - 90 110। तो 7x = 210, तो 7 को ट्रांसफर किया मतलब इसे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 30, तो नंबर क्या हो गया 30। ओके, सो वी हैव डन एक्सरसाइज 4। ओके, थैंक यू।